मिशनरी जर्नीज जो ना इनको बोला जाता है, और ये इन्होंने जो ना वो किए। हमने पहला जो सेवन सेवन चैप्टर था वो हमने पढ़ा था, वो इन्होंने जो शुरू किया था वो 46 केसिन से 48 केसिन, यानी 3 साल जो ना उस सफर को लग गए। अब ये वाला जो सफर है ये 49 केसिन में शुरू हुआ और 52 केसिन तक जो ना वो चला। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा 53 केसिन में, यानी वो 1 साल का ही था। तो इस तरीके से मुकदस पालूस रसूल ने ये कोई हम लोग तो जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक पीरियड में ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुकदस पालूस रसूल को काफ़ी साल जो ना वो लग गए ये सफ़र करते करते। आज सबक शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अंबिया कराम के जो उन्होंने सफ़र किए उनके बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट जो ना वो उसका हम डेमो लेते हैं, उसको देखते हैं कि उनके जो सफ़र है वो कैसे थे और मुकदस पालूस रसूल का जो सफ़र है ये जो ना वो जिंदगी में कैसा था। अब हुआ क्या है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाप अब्राहम से। हज़रत इब्राहिम जो है वो क्योंकि उनके जो बाप थे वो बुतों की पूजा किया करते थे, बुत प्रस्त थे, और खुदा ने जब हज़रत इब्राहिम को जो ना वो कॉल किया, उनको चुन लिया, तो उन्हें कहा कि अपने अपने अबाजनात को जो ना वो सबको छोड़ और तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे एक बहुत बड़ी जो ना वो कौम बनाऊंगा, एक तुझे बहुत बड़ा जो ना वो मुल्क जो ना वो दूंगा। अब जब बाप अब्राहम को ये बात खुदा की तरफ से मिली तो बेटा बड़ी हैरानगी की बात है कि उसने फौरन जो ना इस चीज़ को कबूल कर लिया, उसने कोई आर्ग्यू नहीं दिया कि नहीं नहीं मैं क्यों अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, मैं अपने बहन भाइयों को क्यों छोड़ के जाऊँ, बल्कि उसने अपनी बीवी सारा को और अपने भतीजे लूत को लिया और वहां से वो चल पड़ा। अब चलते चलते खुदा ने उसको क्या कहा, मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन 100 साल का हो गया हाँ, कोई औलाद ही नहीं, बड़ा परेशान है इस चीज के लिए, ये क्या माजरा है, खुदा ने मुझे तो ये कहा था कि मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और मेरी तो औलाद ही कोई नहीं है, तो मैं कैसे ये बड़ी कौम बन सकता हूँ। लेकिन उसको खुदा पे यकीन था, खुदा पे जो ना भरोसा था। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात भी आई क्योंकि उस जमाने में ना तो यानी ना गाड़ियां थी ना जहाज थे, पैदल लोग सफर करते थे ऊँटों पे घोड़ों पे और जो दूसरी चीजें थी, या पैदल जो ना वो ज्यादा लोग जो ना वो सफर किया करते थे। रास्ते में बियाबान भी था, रास्ते में सहरा भी आते थे, कहीं पे पानी मिलता था कहीं पे पानी नहीं मिलता था, पानी की तलाश में बड़ी बड़ी दूर तक जाना पड़ता था। तो मुकदस जो हजरत इब्राहिम है उन्होंने बहुत ज्यादा जो ना वो तकलीफ बर्दाश्त की। ये बेटा खुदा जब चुनता है ना हमें, तो इंसान जो वो फिर फिक्र अपनी नहीं करता, बल्कि उसे पता होता है कि जो जिसने मुझे चुना है ना, जो मेरे साथ है, वो मुझे हर तरह की जो ना वो ताकत भी देगा और हर तरह से मुझे जिसको कहते हैं आपको अच्छे तरीके से जो ना वो इंटरटेन भी करेगा, हर तरह से आपकी जो ना हिफाजत करेगा, आपको किसी तरह से ये मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये ईमान की बात है। अब आपने भी ना बाइबल में देखा है कि जब उसका बेटा पैदा हुआ इज़हाक और उसको खुदा ने कहा कि इसको कुर्बानी के लिए जो ना वो लेके चल, बड़ी बड़ा मुश्किल सा प्रोसीजर था कि एक इतने 100 साल के बाद कोई बेटा पैदा हो और खुदा उसको कह के कुर्बान कर दे मेरे लिए। और मेरा ख्याल है कि आज हम इंसान होते हुए बहुत मुश्किल है कि हमारे अंदर ऐसी चीज़ें जो ना वो पाई जाएं। हम तो अपनी जो हमारे पास रुपया पैसा होता है उसको नहीं अच्छे तरीके से खुदा को ये ना वो देते, वो भी ये जब चंदा डालना होता है तो देखते हैं ना को वो नोट, वो जो आम दुकानदार ने नहीं लिया, कुछ ऐसे भी हैं कि वो वाला नोट जो ना हम खुदा को दे रहे होते हैं वो चंदा डाल देते हैं। हम ये शायद समझते हैं कि ये चंदा जो ना ये किसी फादर के पास, किसी ये ना प्रीस के पास, किसी मनात के पास या किसी पास्टर के पास जो ना वो जाएगा। हम तो ये समझते नहीं है कि ये खुदा को दिया है। यही वजह है कि आज हमारे जो हदिये हैं वो कबूल मंजूर नहीं होते, क्यों, क्योंकि हम खालिस नीयत से तो दे नहीं रहे होते। सफर की बात हो रही है, सफर में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं। यहाँ पे खुदा उसको कह रहा है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे मेरे लिए, उसको 3 दिन का राह दिया, मूरिया पहाड़ पे गए, वहां पे जाके तो हजरत जो इब्राहिम है वो अपने बेटे पर जो ना वो छुरी चलाने लगते हैं। तो बेटा रास्ते में पूछता भी है कि पापा हम लोग कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं, वो किधर है, जो जानवर है वो तो है नहीं है। तो बाप इब्राहिम कहता है कि खुदा मुहैया करेगा। तो वहां पे जब उस पर छुरी चलाने लगता है, आसमान से आवाज आती है कि नहीं, मैंने तेरे ईमान को परख लिया, वो अपने ईमान में साबित कदम है, ठीक है,
इसकी छुरी चलानी, वो पीछे देख झाड़ियों में जो ना एक मेंढा जो ना वो फंसा होता है और उसको ज़िबा किया जाता है। बताने का मकसद बेटा ये है कि जब भी किसी शख्स को खुदा ने चुना है, उसको सफर दिए, उस सफर में गया और सफर में बहुत सारी मुश्किलात भी आई, लेकिन द पावर ऑफ गॉड, जब खुदा की जो ना वो आपके साथ पावर होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है होली स्पिरिट की, ठीक है ना, देन आप किसी भी मुश्किलात से घबराते नहीं हो, चाहे जो मर्जी हो। आगे जब याकूब जो ना वो अपने यानी ना जिंदगी के सफर के लिए निकलता है, उसे बहुत सारी मुश्किलात करनी पड़ती हैं, बहुत सारी मुश्किलात तय करनी पड़ती हैं, बहुत सारी की भी उसने मिलना, और भी बहुत सारे अंबिया कराम हैं जिनके बारे में हम यानी ना कलाम मुकद्दस में देखते हैं, उन्होंने बहुत बहुत जो ना वो मुसीबतें बर्दाश्त करके यहाँ तक वो ना पहुँचे। हम यीशु मसीह की मिसाल लेते हैं, यीशु मसीह ने जो ज़मीनी जो सफ़र था, जो मनादी का 3 साल का सफ़र था, 3 साढ़े 3 साल का, उसमें बहुत सारी जो ना मुश्किल बर्दाश्त की, उनके खिलाफ जो ना बहुत सारे प्रोपोगंडा होते थे, वो हर तरह से यानी ना हर तरफ से उनको जो ना लपेटा जाता था, तो किसी ना किसी तरीके से इनको जो ना लेट डाउन किया जाए, लेकिन वो अपने मिशन पर जो ना वो काम करते रहे और डटे रहे। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जो ना वो मसीहत को जो ना वो तस्लीम किया जाता है और इस बात का इकरार किया जाता है कि ये जो लोग हैं जो मसीहत को मानने वाले हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, अपनी जिंदगियों को जो ना बड़े खुदा के साथ चलाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ईमान की बात है। आज हम जिस बंदे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा बशारती सफर है, इस सफर में हम देखेंगे कि वो कैसे यानी ना चीज़ों पे जो ना वो ओवरकम होता है, किस किस तरह से उसको सफर में जो ना वो मुसीबतें भी आती हैं, सम टाइम जो ना अपनों की ही मुखालफत भी जो ना वो आती है, लेकिन इंसान यकीन करे जब इंसान खुदा का काम करना शुरू करता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, पर सम टाइम ये रुकावटें जो ना आपके अपनों से आती हैं जो आपको खुदा की खिदमत के लिए जो ना वो रोक देते हैं। आज हमने यानी ना इस चीज़ को देखना है कि क्या आज अगर हमें खुदा ने चुना है तो क्या हम उसके नाम के साथ चल रहे हैं, उसके नाम को जो ना वो जलाल देने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को दुनियावी जिंदगी में रख कर सिर्फ और सिर्फ ये सीखा है कि हम अपने आप को दुनियावी शख्स जो ना वो बनाएंगे, मटीरियलिस्टिक पर्सन जो ना बनाकर अपनी जिंदगी को जो ना वो गुजारेंगे। तो मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा बशारती सफर जो है ये 49 के सीन में जो ना वो अंताकिया से शुरू हुआ। याद रखिएगा इसके तीनों जो सफर थे वो अंताकिया से ही शुरू हुए हैं। मजलिस यरूशलेम के बाद मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा सफर सन 49 के सीन के आखिर पर शुरू हुआ। ये सफर भी अंताकिया से शुरू हुआ और यहीं पर खत्म हुआ, जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके खत्म हो गया। मुकद्दस पौलुस रसूल और बरनबास अपने पहले बिशारती सफर से वापस आए थे। मुकद्दस पौलुस और बरनबास, हमने जो पहला जो बिशारती सफर था उसमें ये दोनों थे, बरनबास और पॉल, ये दोनों जो ना ये बिशारती सफर पर जो ना वो निकले थे। अब वो अपने दूसरे बिशारती सफर पर रवाना होने को थे। बरनबास यूहन्ना मरकस को साथ ले जाना चाहता था। इसका कलाम मुकद्दस में भी जिक्र मिलता है, रसूलों के माल में भी यूहन्ना मरकस का जो ना वो जिक्र मिलता है। जो बरनबास था ये मरकस को साथ लेके जाना चाहता था, मगर मुकद्दस पौलुस रसूल उसे साथ ले जाने के लिए तैयार ना था, लिहाजा बरनबास यूहन्ना मरकस को लेकर कुप्रस को चल दिया, जबकि मुकद्दस पौलुस ने सिलास को अपने साथ लिया और पहले बिशारती सफर के नतीजे में कायम होने वाली कलीसियाओं की तरफ चला गया। यहाँ पर दो चीजें जो ना वो हम देखेंगे, बरनबास और पौलुस दोनों ही बड़े ईमानदार, बड़े ईमान में मजबूत और अच्छे तरीके से जो ना वो खुदा की खिदमत में जो ना वो लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इख्तलाफ जो ना वो पैदा हुआ। इख्तलाफ क्या था, जो बरनबास था वो यूहन्ना मरकस को लेके जाना चाहता था साथ खिदमत के लिए तौर पर, लेकिन मुकद्दस पौलुस जो ना वो सिलास को साथ रखना चाहते थे। अब ये उनका एक निजी भी जो ना वो मामला था, लेकिन हम ये देखेंगे आखिर में हमें पता चलेगा कि ऐसा हुआ क्यों और उन्होंने इस पर कैसे यानी ना काबू जो ना वो पाया। अब मुकद्दस पौलुस और सिलास ने दोनों ने फैसला किया कि हम जो ना वो शुरू कहाँ से करेंगे, कि जिन जिन कलीसियाओं में पहले से यानी ना हम लोग होके आए हुए हैं वहीं से दोबारा जो ना वो शुरू करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे कि क्या वो जो कलीसियाएं कायम हुई हैं वो वाकई ही आज भी कायम है या नहीं है। सो मुकद्दस पौलुस और सिलास सूर्या और किलकिया के इलाकों में से गुजरते हुए रास्ते में मसीही जमातों को मजबूत करते गए। जब वो दरबे से होते हुए लुस्त्रा पहुंचे तो उन्होंने एक नौजवान तैमुताउस को भी अपने साथ मिला लिया। फिर वो पूनिया से होते हुए पिस्तिया के इंताकिया में आए।
ये जगहों के नाम बताए जा रहे हैं कि सूर्या और किल्किया जो ना वहां से वो गुजरे, वहां से जो मसीही लोग थे, जमायतें थी, उनको उन्होंने मजबूत किया। वहां से होते हुए वो दरबे से होते हुए लुस्त्रा पहुंचे, तो उन्होंने एक नौजवान तैमुताउस को भी अपने साथ मिला लिया। फिर वो कूनिया से होते हुए पिस्तिया की अंताकिया में, ये जगहों के नाम है, पालूस रसूल ने पिस्तिया की अंताकिया के शुमाल की जानब जाना चाहा। जब वो फ्रूजिया और गलातिया के इलाके में से गुजरे तो खुदा के रूह ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। बेटा यहाँ पे ये बड़ी गौरतलब बात है कि जब खुदा चुनता है ना, तो फिर उसका जो रूह होता है वो हमें ताकीद भी करता है, हमें किसी चीज़ से जो ना मना भी करता है कि ये काम करो या ये ना करो। ये कब होता है? जब हम खुदा के साथ जो ना वफादारी के साथ चलते हैं। जरूरत इस बात की है, आज हर शख्स जो ना वो चाहता है कि मैं दुआ करूँ तो मौजा हो जाए, मैं दुआ करूँ तो लोगों को शिफा मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन पहले पहले हम ये सीखें कि हम वो ईमान जो ना वो कहाँ से लेके आए। वो ईमान मिलता है दुआ करने से, वो ईमान मिलता है परहेजगारी से, वो ईमान मिलता है हमें यानी ना दुनियावी कामों को तर्क कर, दुनियावी कामों से मुराद ये नहीं कि आपने पढ़ना छोड़ देना, आपने पढ़ाई को छोड़ के तो आप सिर्फ ये ना खुदा की तरफ आ जाओ। खुदा कभी भी ये चीज़ नहीं कहता। आप अपनी पढ़ाई को ईमानदारी के साथ करते हो, ये भी खुदा के साथ वफादारी है। आप अपने पेरेंट्स का हुक्म मानते हो, आप उनकी यानी ना अच्छा पढ़ के अच्छे नंबर लेके, तो ये भी आपकी ये खिदमत का हिस्सा है कि आप अपने आप को जो ना वो खुदा के साथ चलाते हुए। क्योंकि जो शख्स ऐसा काम करता है खुदा उसको जो ना, मेरा एक दोस्त था, मैं अक्सर उसकी एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि जिंदगी में ना सारे बच्चों को पता चले, उसको सारे लोग जो ना वो बड़ा अच्छा जो ना वो समझा करते थे कि जिंदगी में वो शख्स जो ना बहुत अच्छा है। मेरे साथ पढ़ता था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि वो हमारे से काफ़ी सीनियर था, लेकिन हम उससे आगे निकल गए, लेकिन वो वहीं का वहीं मैट्रिक ना हो सका। फिर काफ़ी अर्से के बाद जो ना एक टाइम आया कि मैंने उसको जो ना वो मैट्रिक करवाया। वो बड़ा यानी मोहल्ले में बहुत अच्छा ये ना उसका एक इम्पैक्ट था, लेकिन मैं उसको हमेशा एक बात कहता था, मैं कहता था यार अगर आप खुदा के साथ चलते हो तो आप पास क्यों नहीं होते। उसने हमेशा जब भी जाना, जी पढ़ रहा हूँ, जब भी पूछना उसके घर वालों से वो क्या कर रहा है, जी वो पढ़ रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आप डेली जब भी जाओ आपके घर तो आप पढ़ ही रहे होते हो, आप मतलब पास नहीं होते, टेस्ट तो आपका सही होता नहीं है, तो क्या पढ़ क्या रहे होते हो। कहता भाई मैं सिर्फ पढ़ता ही हूँ, मैं याद नहीं करता। अब देखो बेटा यहाँ पे ना दो चीजें हैं, ये सिर्फ बताने का मकसद क्या है, आपको बताने का मकसद ये है कि अगर हम नेकी के काम कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि बेटा अच्छे नंबरों से अच्छी तरह से स्टडी करो, आप अच्छे नंबर्स लो, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्ज करो कि हम ईमानदारी से अपना काम ही नहीं कर रहे, तो उस दुआ का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। वो समझ लो कि सिर्फ हम फॉर्मेलिटीज पेरेंट्स को दिखाने के लिए जो ना वो कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ जो ना वो अपना काम भी जो ना वो करना है। और अभी आपके जुम्मे जो काम है वो आपकी स्टडी, आपको ओबे करना, अपनी जो ना फॉर्मेशन बनाना और पेरेंट्स की गाइडेंस में रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना, ठीक है, और खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। जब आप इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हो तो देन खुदा जो ना आपको बरकत देता है, और देन फिर आप जो ना वो क्या करते हो, आप जिंदगी के उस मोड़ पे आते हो जहाँ पे बरकतें जो ना वो आपका इंतजार कर रही होती हैं। बरकत का मिलना ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। खुदा आपको बहुत सारी जो ना वो ब्लेसिंग जो ना वो देना चाहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क हमारे अंदर ही होता है कि हम उन बरकतों को लेने का हमें तरीकाकार ही नहीं है। जब हम कई दफ़ा ये ना हम सोचते हैं लोग, पहले मैं यानी ना बड़ी फिल्में देखता था, मैं बड़े ड्रामे देखा करता था, मैं ये करता था, अब मैं फ़ौरन दुआ के लिए आऊँगा, हर वक्त दुआ करूँगा, तो सारे कहेंगे लो जी ये तो बड़ा यानी ना भगत हो गया, ये तो बड़ा यानी ना बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, खुदा आपको हर हाल में जब मर्जी जिंदगी के किसी हिस्से में भी आप उसको पुकारते हो वो आपकी सुनता है। वो आपके गुनाहों को नहीं देखता, ये सिर्फ इंसान ही है जो हमारी प्रीवियस लाइफ को जो ना वो टटोलता रहता है, ठीक है ना, और अपने अंदर जो ना वो कभी भी जान के नहीं देखता कि मैं कैसा हूँ। इसलिए इन चीज़ों से बाहर निकलो और अपने आप को ना खुदा के साथ चलाओ कि आज से मैंने ये ना अपनी ज़िंदगी को मैंने खुदा से जो ना ब्लेसिंग लेनी है। बनी इसराइल के ऊपर क्यों मौजदात होते थे? उनके मौजदात की वजह से, बाप अब्राहम, इसहाक, याकूब के वसीले से। खुदा खुद फरमाते हैं कि तुम्हारे बाप दादा जो ना वो उनकी नेकियाँ जो ना वो काम आ रही हैं। आज हम अगर नेक काम करेंगे, कल को हमारी आने वाली जो नस्लें हैं
वो इन्हें सुकून से गुजारा करेंगी। जरूरत इस बात की है कि हम वफादारी के साथ उसके साथ चलें ताकि हम भी वो बरकत हासिल कर सके। बनी इसराइल और मिस्री जब एक मुल्क में रहते थे, मिस्रियों पर आफतें आती थी लेकिन बनी इसराइल पर कोई आफत नहीं आती थी। सेम आज इस चैप्टर में भी हम देखते हैं कि खुदा की रूह ने जो ना उसके उसे वहां पे जाने से जो ना मना कर दिया और वो नहीं गया। साहिली शहर त्रावस को रवाना हुए, त्रावस में लूका तबीब भी बशारती सफर में उनके साथ हो लिया। वहां से जहाज पर सवार होकर सामूत्राकिया में आए और दूसरे दिन नापलुस में आए, वहां से वो फिल्पी को गए। अब नेक्स्ट पेज है उसमें, नेक्स्ट पेज जो ना वो आ चुका है। इस शहर में लूदिया नामी खुदा तरस औरत थी जिसने पालूस रसूल से खुदा का कलाम जो ना वो सुना। फिर पालूस रसूल और उसके साथी सफर करते हुए तसालोनीकी पहुंचे। जब वो तसालोनीकी में आए जो एक बंदरगाह थी, तो पालूस रसूल ने वहां के यहूदी बादखानों में 3 सबत तक मना दी थी जिसके नतीजे में बहुत से यहूदी और यूनानी ईमान लाए। लेकिन इसके साथ ही बहुत से यहूदी जो ईमान लाए थे वो हसद से भर गए और बाजार के गुंडों को बुला लाए और पालूस और सिलास के खिलाफ खूब हंगामा किया। वहां से पालूस और सिलास को रात की तारीकी में भाग कर बारिया में पनाह लेना पड़ी। ये देखो बेटा, ये कितने पालूस रसूल जो है ये वो शख्स था जिसके पास ऐशोशरत के लिए किसी चीज की कमी नहीं थी। ये खुद मुख्तार बंदा था, इसको ड्यूल जो ना नेशनैलिटी जो ना वो थी इसके पास, ये कट्टर यहूदी भी था और रोमी शहरियत भी इसके पास थी। और उस जमाने में रोमी शहरियत होना एक फख्र का बाइस जो समझा जाता था। लेकिन आज जब यीशु ने इसको चुन लिया, जब यीशु मसीह ने इसको चुना, अब ये इस चीज की परवाह नहीं कर रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वहां पे तसालोनीकी में आया, यहूदियों के इबादतखाना में 3 सबत तक जो ना इसने मना दी की और बहुत सारे यहूदी जो ना और यूनानी जो लोग थे वो ईमान ले आए, उसी ही हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हसद करते हैं, जिनको अपने ऊपर यकीन नहीं होता। उन्होंने क्या किया, वो बाजार के गुंडों को जो ना वो बुला लाए और इनके खिलाफ खूब हंगामा अराई की। जब हंगामा अराई कर ली तो पालूस और सिलास को रात की तारीकी में भाग कर कहाँ पे जाना पड़ा, बारिया में। इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, जान का खतरा भी है लेकिन बाज नहीं आ रहा पालूस रसूल। क्यों? क्योंकि उसने मौजा देख लिया अपनी जिंदगी में, उसको तो नजर भी नहीं आ रहा था। लेकिन 3 दिन के बाद उसकी आंखें जो ना वो खोल दी गई। उसने दमिश्क की राह पे यीशु को जब कबूल कर लिया तो अब वो परवाह नहीं कर रहा अपनी जिंदगी की। उसे पता है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। अब वो खुदा के साथ जो ना वो मजबूती के साथ जो ना वो चल रहा है। अब आगे देखते हैं बारिया के लोगों ने क्या किया। बारिया के लोगों ने पालूस की बातों को शौक से सुना, लेकिन इसके साथ ही वो रोज बरोज रिश्तों में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह से हैं जैसे पालूस रसूल को बताता था। उनमें से अक्सर कलाम को कबूल करते हुए ईमान ले आए। पालूस रसूल और पाक रिश्तों में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती थी, इसलिए कि खुदा जिसके इल्हाम से कलाम कलमबंद किया गया वही खुदा मुकदस पालूस की तालीम में उसकी रहनुमाई कर रहा था। बेटा यहाँ पे ना एक बड़ी काबिल गौर बात है, हम बचपन से ना मसीही तालीम जो ना वो सीख रहे हैं लेकिन अभी तक जो ना हमें वो तालीम जो सही रास्ता है वो नहीं आया, हमें वो तालीम जो ना उसका पता ही नहीं चला कि हकीकत क्या है। वजह क्योंकि हम लैक ऑफ इंटरेस्ट हैं, हमारे अंदर जो ना वो कमी है इस चीज़ की कि हम इंटरेस्ट ही नहीं रखते खुदा के कलाम को सीखने में। ये बंदा जिसको खुदा ने चुना है वो खुदा के कलाम की ऐसी ऐसी बातें लोगों को जाकर बयान करता था कि वो पुराने नामे को खोल के देखा करते थे कि ये जो बातें कर रहा है क्या ऐसी ही है। और जब उनमें हम आंगी पाई जाती थी, उनमें रब पाया जाता था, उनमें एक सीक्वेंस था, तो यकीन करें कि वो लोग जो ना वो खुश होते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिखाने वाला कौन है? ये बात थी। इसलिए जो कुछ भी वो सिखाया जा रहा था, जो कुछ वो बताता था, वो खुद से नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था इस मजहब का। लेकिन जब इंसान खुदा जिसको चुनता है, खुदा उसका अपना इल्हाम भी देता है, उसको अपना कलाम भी जो ना वो अता कर देता है। ये उसकी बरकत और उसकी बख्शिश का नतीजा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। बारिया के यहूदी तसालोनीकियों से ज्यादा शरीफ थे, चूंकि यहाँ के यहूदियों ने रास्तेली से रसूलों का कलाम सुना और मुकदस निविश्तों में ढूंढा कि आया यीशु नासरी सचमुच वही मसीह है जिसका जिक्र उनकी पाक किताबें करती हैं। मगर तसालोनीकी
यहूदी यीशु का नाम सुनते ही गुस्से और हसद से भर जाते थे और तरह तरह से रसूलों को सताने लगते थे। जब तसलुनीकी के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बारिया में खुदा का कलाम सुनाता है तो वो वहां भी पहुंच गए और बारिया के कुछ लोगों को पौलुस के खिलाफ उकसाया। बारिया के मसीहियों ने पौलुस रसूल को एथेनीज भेज दिया, लेकिन सिलास और तीमोथियुस बारिया में रहे। उनका इरादा था कि जितनी जल्दी हो सके वो पौलुस से जा मिले। यहाँ पर दो इलाकों का जिक्र हो रहा है, बारिया का और तसलुनीकी का। तसलुनीकी के यहूदी हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बारिया के यहूदी जो ना वो ठीक थे। उनको समझ थी, उनको शौर था कि हक क्या है, किस तरीके से हम लोगों ने जीसस के साथ जो ना वो क्या क्या किया है। ठीक है ना, वो तो एक खुदा की तरफ से भेजा हुआ नबी था, हमें तो उसकी पैरवी करनी चाहिए थी। लेकिन तसलुनीकी के यहूदी हैं वो इस चीज को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो हमेशा ही मुकद्दस पौलुस रसूल के जो ना वो खिलाफ रहे। लेकिन आप ये देखें, ये सफर 49 के एसी में शुरू हुआ और 52 के एसी में जो ना खत्म हुआ, यानी 3 साल तक जो ना ये सफर जारी रहा और कितनी मुश्किल जो ना वो लम्हे में कितने पेनफुल प्रोसीजर से जो ना वो मुकद्दस पौलुस रसूल जो ना वो गुजरते थे और लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते थे खिदमत करने से। ये बेटा ईमान की मजबूती है, ये है रियल जो ना फेथ, कि हम अपने ईमान से कभी भी डगमगाए ना, बल्कि हमेशा खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हुए उसे जिंदगी का ताज जो ना वो हासिल करें। हम देखते हैं लास्ट जो पैराग्राफ है, हम तारीख से सबक सीखते हैं कि पौलुस और बरनबास में नाइत्तफाकी पाई गई, मगर दोनों ने एक दूसरे की मुखालफत नहीं की बल्कि मामला खुश असलूबी से हल कर लिया। उन्होंने कतई एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं की। कलाम में जिक्र है कि यही मरकज जिसको यही यूहन्ना मरकज जिसको साथ ले जाने पर दोनों में नाइत्तफाकी पैदा हुई थी वो उनके साथ बशारती कामों में शरीक रहा। तारीख सिखाती है कि नाइत्तफाकी को एक दूसरे के खिलाफ महाजराई के बगैर हल किया जा सकता है। आज हमारे माशरे में भी, हमारे इर्द गिर्द भी खानदानों में, बहन भाइयों में नाइत्तफाकी पाई जाती है। और यकीन करें कि मैं कभी कभी देखता हूँ जब नाइत्तफाकी पाई जाती है तो हम उस शख्स की कभी भी अच्छाई वाली बातें जो होती हैं, अच्छी जो बातें होती हैं वो कभी बयान नहीं करते, बल्कि हमने जो वीक पॉइंट जो ना अपने दिल में बैठाए होते हैं वो लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आज का ये जो लेसन है ये भी हमें यही सिखाता है कि हमें नाइत्तफाकी अव्वल तो पैदा नहीं करनी, लेकिन अगर कभी वो भी कही है ना तो हमने कभी एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करनी, हमने लड़ाई झगड़े पर नहीं उतरना, बल्कि सब्र से पेशेंस से काम लेना है। यही जिंदगी है और यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम सब्र से, हम जो तहमल से हम अगर काम लेते हैं तो खुदा जो ना वो हमें बहुत ज़्यादा जो ना वो अचर देते हैं। जैसे इन लोगों में नाइत्तफाकी पाई गई, लेकिन उन्होंने बिशारती काम को, जो मिशनरी जो वर्क था उसको कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वो ईमानदारी के साथ जो ना वो इस मिशनरी काम को जो ना वो करते रहे। आज मुकद्दस पौलुस का हमने दूसरा सफ़र पढ़ा, कल हम इसका तीसरा सफ़र जो ना वो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका जो तीसरा जो सफ़र है उसमें किस तरीके से खुदा जो ना मुकद्दस पौलुस रसूल की जो ना वो मदद करते हैं। आज हमें भी ज़रूरत है बेटा, हम तो बचपन से जो ना वो इसी मज़हब में पले बढ़े, आज हमें ज़रूरत है कि हम भी अपने मज़हब की पैरवी करते हुए अच्छे एक मसीही बने, एक अच्छे शहरी बने, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो ना वो काम करें और इसकी फलाह बहबूद के लिए हमेशा सर अपनी पूरी एफर्ट लगाएं और कभी भी ये ना सोचें।